गांव तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको प्रयागराज के निकट एक ऐसे वीरान गांव की सैर पर ले चलता हूं, जिसे देखकर आपको डर भी लगेगा और रोमांच भी होगा। यहां एक खूबसूरत गहरी घाटी है। घाटी के एक तरफ ऐसा झरना जिसे देखकर मन करेगा आप यहां से कभी जाएं ही ना। घाटी के दूसरी तरफ सैकड़ों साल पुराना एक रहस्यमय किला, जिसके बारे में गांव वाले ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ औरतों की आत्माएं भटकती हैं। दिन में लोग इस किले के आसपास घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रात के समय स्थानीय लोग भी इसके पास जाने से डरते हैं। किसी जमाने में ये किला डाकुओं का गढ़ हुआ करता था। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, बिंदिया और बंदूक। इस किले से कई रहस्यमय गुफाएं भी निकलती हैं, लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में स्थानीय लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो इस किले के भीतर जाने से बचें। यहाँ लूटपाट की कई घटनाएं भी सुनने में आती हैं, क्योंकि किले के भीतर नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले कुछ लोग जुआ खेलते हुए मिल जाते हैं। यहाँ से सबसे नजदीकी पुलिस थाना 11 किलोमीटर दूर सिरमौर में है, और एक पुलिस चौकी 8 किलोमीटर दूर लाल गांव में। तो सांस ढलने से पहले यहाँ से निकलना अधिक उचित है। हाँ, अगर आप कई लोग हैं तो इस किले में व्याप्त सन्नाटे का रोमांच ले सकते हैं। ध्यान रहे कि रुकने की कोई व्यवस्था न होने के कारण ठहरने की मंशा लेकर यहाँ ना आए। ना तो यहाँ पर कोई ढाबा है, ना ही रेस्टोरेंट, तो खाने पीने का जुगाड़ पहले से ही कर लें। बेशक ये जगह बहुत ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसकी निर्जनता और यहाँ पर फैला हुआ सन्नाटा आग के भीतर एक डर भी पैदा करता है। मुख्य सड़क से झरने तक पहुँचने के लिए भी बहुत ही कठिन रास्ता है। अगर आप एक अच्छे चालक नहीं हैं तो आपकी गाड़ी का निचला हिस्सा पत्थरों से टकरा सकता है, यहाँ तक कि टायर नुकीले पत्थरों से रगड़ खाकर फट सकते हैं। इसका ध्यान रखते हुए आपको बहुत ही सावधानी से वाहन चलाना पड़ता है। प्रयागराज से यहाँ तक आना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो आप ट्रेन से यहाँ सीधे पहुँच सकते हैं, ना ही किसी सरकारी बस से। सबसे नज़दीकी स्टेशन है रीवा, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए आपको अपने ही वाहन का प्रयोग करना पड़ता है। प्रयागराज के नैनी पुल से 45 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है। तमसा नदी को पार करते ही आपको काफी दूर से पहाड़ियों की एक दीवार नजर आती है। ये विंध्य श्रृंखला की पहाड़ियां हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद जब आप इन पहाड़ियों के करीब पहुंचते हैं, तब रोमांच की अनोखी लहर आपके पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। इतना तीखा ढाल देखकर मन में संदेह पैदा होता है कि गाड़ी इस पर चढ़ पाएगी या नहीं। दिमाग के भीतर जैसे कोई फुसफुसाने लगता है, अगर टायर पंचर हो गया तो क्या करेगा। इस संदेह की पुष्टि होने लगती है जब जगह जगह पंचर हुई गाड़ियां नजर आने लगती हैं। चढ़ाई पर चढ़ते समय टायरों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने के कारण ऐसा होता है। ऐसे ही विचारों के प्रवाह में 4 किलोमीटर की सुहागी पहाड़ी पार करने के बाद इस यात्रा में हुए आनंद की भरपाई करने की बारी आती है। टोल चुकाकर यहाँ से यात्रा करते समय आपको इक्का दुक्का पत्थरों से निर्मित अधपक्के मकान काफी दूर दूर बियाबान में बने नजर आते हैं। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस निर्जन में लोग रहते कैसे हैं? पीने का पानी कहाँ से लाते होंगे? पथरीली जमीन पर खेती कैसे करते होंगे? ऐसे ही हैरान परेशान दिमाग नेशनल हाईवे 30 पर 18 किलोमीटर की यात्रा करके कलवारी पहुंच जाता है। ध्यान रहे कि यह सड़क सीधे आपको मैहर तक ले जाती है। मैहर पर वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, अवश्य देखें। यहीं से एक सड़क लाल गांव की ओर जाती है, इसलिए इस तिराहे को लाल गांव मोड़ बोला जाता है। ये सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग 135 BD, जो लाल गांव, केवटी और सिरमौर को आपस में जोड़ती है। इस सड़क पर आगे बढ़ते हुए आपको विचित्र अनुभव होता है। दूर दूर तक फैले हुए लाल मिट्टी के मैदान, इक्का दुक्का पेड़, कहीं कहीं घास चढ़ते हुए पालतू पशु, और हर किलोमीटर पर आपके गंतव्य की जानकारी देते हुए पत्थर। अगर आप शहरों में रहते हैं तो ऐसी निर्जनता और वीरानापन देखकर सम्मोहित हो जाएंगे। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव नजर आते हैं। 17 किलोमीटर बाद एक बड़ी बाजार दिखाई पड़ती है, लाल गांव। अगर कुछ खाने पीने का सामान खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, क्योंकि यहां से 8 किलोमीटर दूर केवटी गांव तक आपको सिर्फ सन्नाटा ही मिलने वाला है। तो प्रयागराज से कुल 95 किलोमीटर की यात्रा करके आखिरकार हम पहुंचते हैं केवटी गांव। इस ग्राम सभा में आसपास छोटे छोटे लगभग 12 टोले बसे हैं, जिसमें से एक है छोटा सा केवटी गांव, जिसकी आबादी होगी 300 के आसपास। इस गांव में ज्यादातर लोग या तो किसान हैं या फिर पैसा कमाने के लिए दूसरे शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। केवटी गांव किसने बसाया?
1495 के आसपास बांधवगढ़ के राजा बघेल वंशी शालिवाहन के पास सिकंदर लोधी ने अपनी एक बेटी से शादी करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे ठुकराए जाने पर 1499 में बांधवगढ़ के कई क्षेत्रों में सिकंदर लोधी ने आक्रमण कर दिया और कई गांव और खड़ी फसलों को जला दिया गया। हर संभव कोशिश करने के बाद भी बांधवगढ़ का किला जीतना संभव न हो सका। लेकिन इस युद्ध के बाद राजा शालिवाहन ने विशाल बांधवगढ़ के साम्राज्य के चार टुकड़े किए और अपने चार पुत्रों में बांट दिया। बांधवगढ़ का किला मिला सबसे बड़े बेटे वीर सिंह देव को, उत्कल का क्षेत्र मिला उदय करण को, घुमन का क्षेत्र मिला राजकुमार जनक और अंत में केवटी का क्षेत्र मिला राजकुमार नागमल देव को। सैनिक और ग्रामीणों की मदद से राजा नागमल ने महाना नदी के किनारे केवटी जलप्रपात के ठीक सामने किले का निर्माण कराया और यहीं से केवटी राजघराने का उदय हुआ। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना चरम पर थी, ठीक उसी समय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले ठाकुर रणमत सिंह ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के कई ठिकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया और छुप छुप कर कई जगहों पर रहने लगे। आसवार्ण नामक एक अंग्रेज ने मुखबिरों को लालच देकर ठाकुर रणमत सिंह की गुप्त जानकारी हासिल की और केवटी के इस किले पर हमला कर दिया। अंग्रेजों से भीषण युद्ध के बाद ठाकुर दल थमन की मदद से वह सफलतापूर्वक यहां से निकलने में कामयाब हुए। हालांकि बाद में उनको धोखे से पकड़ा गया और 1859 में आगरा की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद से यह किला अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा ही इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज सैनिक पास के गांव से स्त्रियों को उठाकर ले आते और उनके साथ इसी किले के भीतर दुराचार करते। जो स्त्रियां इसका विरोध करती उनका कत्ल कर दिया जाता। गांव वाले ऐसा मानते हैं कि तब से ये किला अभिशप्त हो गया और रात के समय इस किले से डरावनी आवाजें आती हैं। और यहाँ भूतिया जगह है, पूरा यहाँ पे आई थी उसको मर्डर कर दी, इसलिए वो रात में रोती है बच्चा लेकर। धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार में उपेक्षा का शिकार होकर जर्जर होती जा रही दीवार और छत को देखते हुए इस किले को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज इस किले की उम्र 500 साल के आसपास हो चुकी है। पुरातत्व विभाग ने हालांकि इसे अपने संरक्षण में ले लिया है, लेकिन इसकी देखभाल की उपेक्षा आज भी हो रही है। जबकि हर शनिवार और रविवार को इस किले से दिखाई पड़ने वाले केवटी झरने को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 322 फीट की ऊंचाई के साथ ये भारत का 22वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रहे, यदि आप यहां रुकने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने की आशा मत रखिए। लोग बताते हैं कि यहां से 10 किलोमीटर दूर सिरमौर तहसील में मात्र पृथ्वी छाया लाज में आप रुक सकते हैं। हालांकि कोई भी इस बियाबान में रुकने की कोशिश नहीं करता। यहां पर आप झरना देखिए, अगर मन करे तो नहाइए, सेल्फी लीजिए, वीडियो बनाइए, मंदिर में दर्शन भी कर लीजिए, कुछ लोगों के साथ मिलकर किले का भी भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाइए सुरक्षित। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही दुर्लभ स्थानों का प्रमाणित इतिहास जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।